नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हापुड़ में बसपा ने किया मंडल स्तरीय जनसभा का आयोजन। सभा में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, चुनाव में बसपा की जीत का किया दावा। देवास में कन्नौज पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, अवैध अतिक्रमण को किया जमींदोज, सरकारी जमीन को किया अतिक्रमण मुक्त। और उत्तराखंड में चल रहा चुनावी घमासान, कांग्रेस ने चुनाव जीतने का किया दावा। कांग्रेस नेता महाजन बोले, उत्तराखंड में बन रही कांग्रेस की सरकार। विगत दिन उत्तर प्रदेश की हापुड़ जनपद में बसपा की एक मंडल स्तरीय जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी पहुंचे। यहां बसपा कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र मिश्रा का फूलमालाओं से स्वागत किया, तो वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने हापुड़ सदर सीट से बसपा प्रत्याशी मनीष उर्फ मोनू की घोषणा की। इसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा सरकार में कानून का राज चलता है, बहन जी के नाम से ही कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए वह अपनों को भी नहीं बख्शती, अगर अपना ही कोई गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाता है। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है, वैसे ही लूट, चोरी, बलात्कार, डकैती और दंगे शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं से कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री धारक हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन युवाओं को नौकरी की जगह बीजेपी ने लाठियां ही थमा दी। दरअसल सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी और बीजेपी दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम है। इस दौरान उन्होंने बसपा की जीत का भी दावा किया है। कानून ऐसे लाते थे और वो किसके लिए लाते थे? उन्हीं उद्योगपतियों के लिए, उन्हीं चुनिंदा चुने हुए उद्योगपति जिनके हाथों में इन्होंने देश को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमारा सब कुछ तो मिल गया, इस देश के हम मालिक हो गए, लेकिन जमीन नहीं मिली। हमको जमीन भी चाहिए और जमीन के लिए उन्होंने फिर इनसे जब गुहार की, कहा कि हम आपको हजारों करोड़ रुपया देते हैं तो अगर और ले लीजिए पर हमको जमीन भी दिला दीजिए। तो इन्होंने तीन काले कानून बनाए जिसके तहत में किसान जो है उसको पट्टे पे जमीन देनी मजबूरन पड़ती और पट्टा देने के बाद उसको जमीन कभी वापस नहीं मिलती। एक साल तो उपज का पैसा दे देते, दूसरे साल कहते हैं कि बीज खराब था, तीसरे साल कहते सूखा पड़ गया और उसके बाद कह देते जमीन को पट्टे भी है हमारे पास, मिलेगी नहीं आपको। शनिवार को देवास में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय कन्नौज पुलिस ने टाकलीखेड़ा गांव के कुख्यात बदमाश बन्नू उर्फ रमजान के 11,840 वर्ग फीट में बने अवैध अतिक्रमण को धराशायी करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के साथ सागौन की कई सिल्लियां और सागौन से बने फर्नीचर भी पाए गए हैं, जिसे चोरी का होना बताया जा रहा है। अब पुलिस ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश को तेज कर दिया है। आज स्थानीय कन्नौज पुलिस प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में थाना कन्नौज के टाकलीखेड़ा ग्राम में कुख्यात बदमाश बन्नू, जिसके द्वारा लगभग 12,000 वर्ग फीट शासकीय जमीन अपने कब्जे में रखी गई थी, उसको मुक्त कराया गया है। जब कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई तो सर्च के दौरान यह पाया गया कि कुछ सागौन की अवैध सिल्लियां और चोरी के कुछ फर्नीचर भी उसके कब्जे से पाए गए, जो वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उसे जब्त कराया गया और उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। गुंडे भू माफियाओं के विरुद्ध यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कन्नौज पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा इस तरह के जितने भी अवैध अतिक्रमण है या भू माफियाओं के द्वारा जमीन कब्जे में लिया गया है उस पर लगातार कार्रवाई। उत्तराखंड के दिनेशपुर में चुनावी घमासान चल रहा है। हाल ही में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हुए जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, इसके लिए हम किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, सब पर ध्यान रखेंगे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था युवाओं को नौकरियां देंगे, लेकिन बेरोजगारी ज्यादा फैल गई है और नोटबंदी करके युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है, इसलिए इस बार हर हाल में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। इस बार का जो इलेक्शन उत्तराखंड में होने जा रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मंत्र की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के शासनकाल में लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, आपके किसी पे भी किसी वादे पे ये खरे नहीं उतरे हैं। और जनता जनार्दन ने, मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए मन उन्होंने बना लिया है, और कोई भी इलेक्शन आपको जीतने के लिए सबसे बड़ा सबसे अच्छा मूल मंत्र है कठिन परिश्रम। मैं लगातार 5 साल से इलेक्शन के बाद 5 साल होने जा रहा है, मैं लगातार जनता जनार्दन के बीच में हूँ, उनके संपर्क में हूँ, सुबह शाम दिन रात उनके पीछे दौड़ रहा हूँ, और जब कोई कठिन परिश्रम करता है तो उसका फल अच्छा ही होता है। त्रिनाथ जी एक अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में आने से कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। शनिवार को महू में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। महू न्यायालय में विधि सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और पहली अपर जिला सत्र न्यायाधीश शशि सिंह ने नेशनल लोक अदालत लगाई, जिसमें प्रकरणों के निराकरण के लिए 9 खंडपीठ का गठन किया गया। बता दें, लिटिगेशन प्रकरणों में 1246 मामले, जलकर के 70 मामले और बैंकों के 2959 मामले रखे गए थे, जिसमें कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण हुआ। देखने में आया कि इस अदालत से कई लोग लाभान्वित हुए, तो वहीं नेशनल लोक अदालत में कुल राशि 1,17,18,372 का भुगतान प्राप्त हुआ। जिनको आर्थिक क्षति, शारीरिक और मानसिक क्षति होती है, ये लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निराकरण हो जाते हैं, तो व्यक्ति को आर्थिक क्षति तो पूर्ति हो जाती है, मानसिक क्षति तो नहीं संभावित है, लेकिन आर्थिक क्षति वो है उस वो शीघ्रता से मिल जाती है, जिससे वो अपना आगे का अपना फ्यूचर प्लान कर पाते हैं। ये आज विशेष न्यायालय में लोक अदालत जो है, हमारे जो पुराने प्रकरण थे विजिलेंस और ओवरटाइम चेकिंग के, उसके संबंध में टोटल जो केस पुटअप यहाँ किए थे उसमें 231 केस थे, 231 जिनका अमाउंट 1,31,00,000 था, उसमें से 24 प्रकरण में 5,49,000 की रिकवरी हुई है, इसमें समझौता हुआ। इसी तरीके से जो अभी कोर्ट में केस नहीं लगाए हैं, जो प्रिलिटिगेशन स्तर पे हैं, उसमें कुल 1,246 केस थे, ये 2,07,00,000 के थे करीबन, इसमें से 8 प्रकरण में 1,42,000 रुपये जमा करा के समझौता हुआ है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।